सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान सह वृक्षारोपण अभियान चला रही है। इसी क्रम में पटना के गर्दनीबाग स्थित कच्ची तालाब के पास बिहार बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी साफ सफाई करने में अपना योगदान दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारा तो स्थापना दिवस था, उस दिन से शुरुआत की है और कल महात्मा फुले की जयंती थी और उसमें 5,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आज हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। यहाँ गांव-गांव में छठ घाट की सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है और कल भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कल पूरे बिहार में अभियान चलेगा और हर बूथ पर हम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहेब के जो आदर्श में उसको आगे बढ़ाना और हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। और पर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारा जो स्थापना दिवस था 6 अप्रैल, उससे शुरुआत हम लोगों ने किया और आदरणीय कल 11 तारीख को हमारे महात्मा फूले की जयंती थी, उसमें भी लगभग 5,000 से अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं, जलाशय का सफाई या तालाब की सफाई या गांव में जो जहां छठ घाट है उसकी सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया गया और कल फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान चलेगा और प्रत्येक बूथ पर हम लोग उनका माल्यार्पण करके ये शुरुआत करेंगे कि बाबा साहब के जो आदर्श थे उसको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ पूरी सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। एकदम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं, शौचालय बना ही रहे हैं, जलाशय को भी ठीक कर रहे हैं और अब तो अमृत काल में तालाब भी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका भी सफाई का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली में अहम बैठक किया है, केजरीवाल से मिले हैं, राहुल जी से मिले हैं, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? स्वाभाविक है, वहाँ तो सारे कचरे मिले हैं और कचरा का मतलब इसलिए मैंने कहा कि सब लोग वहाँ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद जी से जाकर चरणों में उन्होंने पहला काम आदरणीय नीतीश बाबू उनके चरणों में गिरे, फिर वहाँ से वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास केजरीवाल के पास गए, तो ये सारे को आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। अब लगता है कि ये जो विपक्षी पहल है ये कारगर साबित हो पाएगी क्योंकि वो लोग काफी उत्साहित हैं। मैंने तो आज देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? यदि सब कोई मिल के कोई बात करते तो एक बात थी, ये तो एक 1-to-1 बात हो रही है और नीतीश कुमार जी करने क्या गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है और लोग बेरोजगारी के लिए रोड पर आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी 5-स्टार होटल में आराम कर रहे हैं।